आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके पर 10 मिनट के 20 to 30 डॉलर कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो सिंपली कॉपी पेस्ट मेथड का यूज़ करके। और अगर आप इस वर्क को 1 आवर या 4 आवर करते हो तो 1 आवर में आप यहाँ पे 180 डॉलर अर्न कर सकते हो, और 4 आवर अगर आप यहाँ पे डेली वर्क करते हो तो आप 720 डॉलर अर्न कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे 720 डॉलर को 30 डेज से अगर कैलकुलेट करते हो तो आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो कि कितने ज़्यादा रुपये आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, कितने ज़्यादा डॉलर आप यहाँ पे पर 30 डेज से अर्न कर सकते हो। तो सिंपली कॉपी पेस्ट मेथड होने वाला, इस मेथड में हम यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, स्मैश करें सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को जरूर से दबाएं, क्योंकि ऐसे न्यू अर्निंग के मेथड में हमेशा हमारे चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए जान लेते कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके पर 10 मिनट 20 to 30 डॉलर कैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हो सिंपली कॉपी पेस्ट मेथड का यूज़ करके। ना ही आपको यहाँ पे ब्लॉग लिखने की जरूरत है, ना ही आपको यहाँ पे वीडियो बनाने की जरूरत है, ना ही आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करने की जरूरत है। सिंपली कॉपी पेस्ट मेथड होने वाला है गूगल ट्रांसलेट का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो सिंपली आपको google.com पे जाना है। google.com पे जाने के बाद आपको ये सेम इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट सर्च करने के बाद आपके सामने ये सेम इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके किसी भी इंग्लिश वर्ड को आप यहाँ पे स्पेनिश में कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने अभी तक यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज़ नहीं किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि आप गूगल ट्रांसलेट का कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, एक साइड में आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरे साइड में कौन सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेनिश सिलेक्ट कर लिया है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड टाइप कर लिया है हेलो, मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया इंग्लिश में, उसका स्पेनिश में मीनिंग होता है होला। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में जो आप लिखते हो या हिंदी में लिखते हो तो उसे आप स्पेनिश में या अदर लैंग्वेज में जो वर्ल्ड वाइड जो भी लैंग्वेज बोली जाती है ऐसे आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आप गूगल ट्रांसलेट का कैसे यूज़ कर सकते हो, और इसी मेथड का यूज़ करके हम डेली 20 to 30 डॉलर अर्न कर सकते हैं पर 10 मिनट के। और अगर आप यहाँ पे इसे 4 आवर तक करते हो पर डे तो आप यहाँ पे 720 डॉलर अर्न कर सकते हो। तो आपको पता चल गया कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है cpagrip.com। cpagrip.com का यूज़ करके हम यहाँ पे अर्निंग करने वाले, पूरी यूनिक मेथड होने वाले, पूरे इंटरनेट पे ऐसी कोई भी मेथड आपको पता नहीं होगी, पूरी यूनिक मेथड से हम यहाँ पे वर्क करने वाले गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके। तो सिंपली यहाँ पे cpagrip.com पे आपको जाना है। cpagrip.com पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेम इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपको ये सेम इंटरफेस नहीं दिखाई देता तो आपको अपने जीमेल के साथ यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेम इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे साइन अप कर लोगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कई सारे लोग यहाँ पे cpagrip का यूज़ करके पर डे 11,760 डॉलर अर्न कर रहे हैं, 412 डॉलर, 1,765 डॉलर, 29,789 डॉलर। तो इतने सारे लोग यहाँ पे cpagrip का यूज़ करके डेली अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे cpagrip का यूज़ करके ऐसी अर्निंग कर सकते हो, पर 30 डेज में 1,000 to 2,000 डॉलर इजीली अर्न कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, आपने यहाँ पे साइन अप कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा इतने सारे आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको माई ऑफर पर क्लिक कर लेना है। माई ऑफर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिखाई होगा, आपको यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कैटेगरीज, शो स्टेट्स और सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। अगर आपने यहाँ पे साइन अप कर लिया, अगर आप यहाँ पे इंडिया से होंगे तो आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट होगा। और अगर आप यहाँ पे देखते हो कि इसका जो हाईएस्ट रिटर्न है, मतलब अगर आप इस ऑफर को प्रमोट करते हो तो हाईएस्ट जो यहाँ पे पेमेंट है वो आपको यहाँ पे 0.41 डॉलर यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंडिया को टारगेट करते हो तो हाईएस्ट आप यहाँ पे 0.41 डॉलर आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे इससे पहले भी cpagrip के कई सारे वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे आपको US को टारगेट करने के लिए बताया होगा। तो अगर आप यहाँ पे US को टारगेट करते हो तो चलिए जान लेते कि अगर आप US को टारगेट करते हो तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट पेमेंट कितनी मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे US को टारगेट करते हो तो आपकी जो हाईएस्ट पेमेंट होगी वो आपको यहाँ पे 2 डॉलर मिलती है। मतलब अगर आप यहाँ पे 10% टारगेट करते हो तो आप यहाँ पे 20 डॉलर अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको 1 पॉइंट बताना चाहूँगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो अर्निंग होगी यहाँ से 10x बूस्ट हो सकती है। ये सिंपल मेथड का यूज़ करके आप यहाँ पे 10x का ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ना ही इंडिया को टारगेट करना है, ना ही USA को टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है स्पेन
स्पेन को, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेन सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेन सर्च कर लिया, स्पेन सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हाईएस्ट पेमेंट कितनी है। इसकी जो लोएस्ट पेमेंट है वो 0.68 डॉलर है, और अगर आप यहाँ पे इसकी हाईएस्ट अर्निंग देखते हो तो 12.31 डॉलर इसकी हाईएस्ट पेमेंट हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे स्पेन को टारगेट करते हो तो आपको यहाँ पे 1% के 12.31 डॉलर आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 10% को टारगेट करते हो तो 120 डॉलर आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग स्पेन को टारगेट नहीं करते क्योंकि स्पेन की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, और अगर आप यहाँ पे किसी भी ऑफर पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिखाई दे रही है वो स्पेनिश दिखाई दे रही है, और आप यहाँ पे स्पेनिश बिल्कुल भी नहीं समझते होंगे क्योंकि जो भी आप यहाँ पे आओगे, अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या यूएसए से हो, तो आप यहाँ पे इंग्लिश कंट्री को ही टारगेट करोगे क्योंकि जो भी आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिखाई दे रही है वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। और जो भी न्यू पर्सन आएगा या जो भी सीपे ग्रिप यूज़ करने वाला है वो भी यहाँ पे इंग्लिश कंट्री को ही टारगेट करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए है कि हम यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेन सिलेक्ट कर लिया है तो आप यहाँ पे फ्रांस सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्रांस सिलेक्ट कर लिया, फ्रांस का अगर आप यहाँ पे हाईएस्ट अगर आप पे आउट देखते हो तो हाईएस्ट इसका पे आउट है 23.10 डॉलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे स्पेन सिलेक्ट कर लिया था, स्पेन में यहाँ पे 12 डॉलर हाईएस्ट पेमेंट था, फ्रांस में 23 डॉलर यहाँ पे हाईएस्ट पेमेंट है। तो जो भी अलग अलग कंट्री की जो लैंग्वेज होती है, अगर अदर लैंग्वेज के कंट्री को अगर आप टारगेट करते हो, जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, इन सभी कंट्री को टारगेट करते हो तो इन सभी कंट्रियों में आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेमेंट मिलती है। मतलब 10% ने भी अपना जो मोबाइल नंबर होता है यहाँ पे सबमिट किया तो पर अगर आप पर्सन देखते हो तो आप यहाँ पे 23 डॉलर अर्न कर सकते हो। 10% ने भी यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर सबमिट किया तो आप यहाँ पे 230 डॉलर पर डे अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग कंट्री को टारगेट करते हुए बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और अगर यहाँ पे सभी लोग सीपीए ग्रिप का यूज़ करेंगे तो वो कौन सी कंट्री को टारगेट करेंगे, वो टारगेट करेंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, कैनेडा हो गया, इन सभी कंट्री को टारगेट करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही लो है। और हम कैसे कंट्री को टारगेट करने वाले, जैसे स्पेनिश कंट्री हो गया, फ्रांस कंट्री हो गया, जर्मनी कंट्री हो गया, जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती है, स्पेनिश भाषा बोली जाती है, इटली भाषा बोली जाती है, ऐसे कंट्री को हम टारगेट करेंगे और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे आउट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे स्पेन कंट्री को टारगेट करने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेन कंट्री यहाँ पे सर्च कर लिया, आपको यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे स्पेन कंट्री को टारगेट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको फिर से क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने को तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी स्पेन में हाईएस्ट पे आउट वाला जो भी आपको यहाँ पे ऑफर दिखाई दे रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पूरी स्पेन में आपको यहाँ पे भाषा दिखाई दे रही होगी। तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पे स्पेन को टारगेट करने वाले हैं और यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। 12.35 डॉलर आप पर ऑफर को प्रमोट करते हुए अर्निंग कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे कोई भी डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डोमेन को सिलेक्ट कर लिया है। तो डोमेन सिलेक्ट करने के बाद जो आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रही है, आपकी जो एफिलिएट लिंक दिखाई दे रही है, इसका ही यूज़ करके हम यहाँ पे अर्निंग करने वाले। तो सिंपली आपको यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लेना है। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपको एक वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि अगर आप इसी लिंक को जो एफिलिएट लिंक आपको मिली हुई है अगर आप इसको ही डायरेक्ट प्रमोट करोगे तो आपकी जो एफिलिएट लिंक होती है वो यहाँ पे बैन भी हो सकती है। तो एक सिंपल ट्रिक का यूज़ करके हम अपने एफिलिएट लिंक को चेंज करने वाले हैं, जिसकी वजह से किसी भी वेबसाइट पर अगर आप इस लिंक को प्रमोट करोगे तो आपकी यहाँ पे लिंक यहाँ पे बैन नहीं होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है bitly.com। bitly.com पे जाने के बाद क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी वेबसाइट की URL है, कोई भी आप लिंक प्रमोट करना चाहते हो तो उसे आप शॉर्टन कर सकते हो, उसको आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे bitly.com पे जाना है। bitly.com पे जाने के बाद आपको यहाँ पे साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे सेम इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लिंक और कैंपेन, तो आपको यहाँ पे लिंक पर क्लिक कर लेना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एंटर लॉक URL। तो आपने जो यहाँ पे सीपीए ग्रिप की जो आपकी एफिलिएट लिंक होती है जो आपने यहाँ पे कॉपी की है, सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे कोई भी टाइटल डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल
डाल दिया है। टाइटल डालने के बाद आपको फिर से सीपीए ग्रिप पे जाना है। सीपीए ग्रिप पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कौन सा ऑफर है, ये है आईफोन 14 का ऑफर। तो सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से जाना है और आप यहाँ पे अपने यूआरएल को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे bit.ly दिखाई दे रहा है, उसके बाद जो आपको 3DW यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना ऑफर यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ऑफर पेस्ट करने का जो भी आपको यहाँ पे गैप दिखाई दे रही है उस गैप को यहाँ पे फिल आउट कर लेना है, मतलब उस गैप को आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर लेना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो यहाँ पे लिंक होती है, एफिलेट लिंक होती है, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और आपकी एफिलेट लिंक कहाँ पे दिखाई देगी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो एफिलेट लिंक होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। वो इसे प्रमोट करके हम यहाँ पे $10 to $20 पर 10 मिनट अर्न कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे स्पेन को टारगेट किया हुआ है, इसकी वजह से पर पर्सन के हम यहाँ पे $12.35 अर्न कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रांस को टारगेट करना चाहते हो, इटली को टारगेट करना चाहते हो या जर्मनी को टारगेट करना चाहते हो, तो इससे भी ज़्यादा आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो सिंपली कॉपी पेस्ट मेथड का यूज़ करके। और हम यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का भी यूज़ करने वाले हैं, इसकी वजह से हमारी जो अर्निंग होगी यहाँ पे बूस्ट होगी। तो जो आपने यहाँ पे लिंक शॉर्टन किए हुए उसके राइट साइड में आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे अपने लिंक को कॉपी कर लेना है। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपको एक वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे आप 1000 विजिटर पर लिंक पे जनरेट कर सकते हो और वहाँ पे आप गारंटीड से 1000 विजिटर आपको मिलते हैं। मतलब एक लिंक पर अगर आपको यहाँ पे 1000 विजिटर मिलते हैं और वहाँ पे 100% ने भी अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे सबमिट कर लिया है या सबमिट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि आप पर डे कितने ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। मतलब 10% भी अगर यहाँ पे आपके लिंक पे अपना फ़ोन नंबर सबमिट करते हैं तो आप यहाँ पे $120 अर्न कर सकते हो। और अगर यहाँ पे 100% भी आपके लिंक पर अपने फ़ोन नंबर सबमिट करते हैं तो आप यहाँ पे $1200 पर डे अर्न कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे 4 आवर वर्क करते हो तो कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे आपको क्या करना है कि आपको इस वेबसाइट पे आना है, इस वेबसाइट का नाम है trafficbar.com। इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये इंटरफेस नहीं दिखाई देगा, आपको यहाँ पे अपने जीमेल के साथ साइन अप कर लेना है। अपने जीमेल के साथ साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, टाइप द यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट, इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो फिर से आपको यहाँ पे बिटली पे जाना है। बिटली पे जाने के बाद जो आपने लिंक शॉर्ट की वजह सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो आपको यहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड अ वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका टाइटल होगा वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी हेडलाइन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे अपनी एफिलिएट लिंक प्रमोट करते हो तो आपको यहाँ पर लिंक पे 1000 विजिटर गारंटीड से मिलते हैं। और वहाँ से अगर 100% या 200% या 500% या 1000% भी उस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना फ़ोन नंबर सबमिट करते हो तो आप कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम 100% आपके लिंक पे अपना फ़ोन नंबर सबमिट करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे 1000 विजिटर्स मिल जाते हैं। और अगर 1000 विजिटर में से 500% भी अपना फ़ोन नंबर सबमिट करते हैं तो आप यहाँ पे $1200 पर डे अर्न कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको फिर से क्या करना है कि आपको यहाँ पे cpagrip.com पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जो आपको यहाँ पे ऑफर दिखाई दे रहा है उसका जो हेडलाइन दिखाई दे रहा है सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे जाना है। गूगल ट्रांसलेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक साइड में इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है या स्पेनिश सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम यहाँ पे स्पेनिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले, तो आपको यहाँ पे स्पेनिश सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपने हेडलाइन कॉपी के सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम कौन से ऑफर को यहाँ पे प्रमोट करने वाले हैं। गेट अ न्यू आईफोन 14 प्रो, इस ऑफर को हम प्रमोट करने वाले। तो हमने जो यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट किया है सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे टाइटल पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट साइड में आपकी जो यूआरएल होगी इस तरीके की दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड लाइन 1 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर से आपको वही पेस्ट कर लेना है। ऐड लाइन 1 ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको मिस नहीं करना। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ योर ऐड एंड वेब पेज, आप कौन से लैंग्वेज को यहाँ पे टारगेट करने वाले हो। तो हम यहाँ पे स्पेनिश सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज को टारगेट करते हो तो आपका जो यूआरएल होगा यहाँ पे परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो हम जिस कंट्री को टारगेट करने वाले उसी लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे स्पेन को टारगेट करने वाले हैं तो स्पेन में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो स्पेनिश है, तो आपको यहाँ पे स्पेनिश सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कौन से कंट्री को आप टारगेट करने वाले, तो हम यहाँ पे स्पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर लेना है। सेव करने के बाद ये असली मैजिक यहाँ पे
शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी यहाँ पे लिंक होगी वो यहाँ पे पूरे स्पेन में यहाँ पे टारगेट हो जाएगी। और स्पेन के अगर 100% भी अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पे सबमिट करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आपको ऑफर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर को सबमिट करने के बाद ही आप यहाँ पे $12 अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पेन के जो पर्सन होंगे वो यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर को सबमिट करेंगे। वो फ़ोन नंबर सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर फ़ोन नंबर सबमिट के $12.35 अर्न कर सकते हो। और इस वेबसाइट का यूज़ करके आप 4 आवर भी वर्क कर सकते हो, 5 आवर भी वर्क कर सकते हो। सिंपली 10 मिनट का वर्क है। अगर आप यहाँ पे इस वर्क को पर डे करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मुझे यहाँ पे इस वर्क को करने के लिए 10 या 20 मिनट लगे हुए, और अगर आप यहाँ पे इस वर्क को डेली करते हो तो आप इसको 5 मिनट में करने के बाद आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का यूज़ करके आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो। जैसे मैंने स्पेन को टारगेट किया हुआ है, आप यहाँ पे फ्रांस को टारगेट कर सकते हो, इटली को टारगेट कर सकते हो, जर्मनी को टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके पर डे $720 अर्न कर सकते हो। और अगर आपको ये मेथड ट्राई करनी है तो आप अपने मोबाइल में भी ये मेथड ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है सभी पे ये मेथड अप्लाई हो जाती है और इजीली आप यहाँ पे घर बैठ के ये वर्क कर सकते हो। तो यही थी इस वीडियो के बारे में अपडेट। अगर आपको वीडियो से नया सीख लेकर ना भूले तो फिर मिलते हैं इस तरीके शानदार वीडियो से। तब तक के लिए बाय।